next 10 15 minutes i would like to share something with you can you read this so what this figure says an army of sheep led by a lion can defeat an army of lions led by a sheep led means who is leading who is leader if leader is a lion and followers are even sheep टीम ऑफ शीप लेट बाई ए लॉयीट टीम ऑफ लॉयस का बहुत बड़ा रोल प्रोजेक्ट में लाइफ में किसी भी मिशन में होता है अब सवाल यह है कि लीडरशिप इज टैलेंट और स्किलीडर्स आर बॉर्न और लीडर्स आर मेड सो मैं दस मिनट इस बात इस पर बात करना चाहूंगा ये ट्रेडिशनल एक्जशन है हमारा की स्किल्स आर नेचुरल इन बोर्न मैं बचपन से सोचता था कि सिंगिंग मतलब इफ समबडी कैन सिंग आई यूज टू फील कि कोई बचपन से कुछ होता होगा उनमें कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है तो शायद इट इज ए टैलेंट इट इज नॉट लाइक प्रैक्टिसेबल स्किल फ्लाइंग जैसे अगर और बात करें हम फ्लाइंग इज आज हम आज हम देखते हैं कि हम एरोप्लेन में उड़ रहे हैं लेकिन 200 साल पहले या 150 साल पहले जब ये किसी ने सोचा होगा किसी ने पहली बार जब कहा होगा कि भाई उड़ा जा सकता है हवाई जहाज उड़ाया जा सकता है और हम हवाई जहाज से ट्रेवल कर सकते हैं तो ये किसी को नहीं समझ में आएगा क्यों क्योंकि इट वाज नॉट नेचुरल हमने कहा कि फ्लाइंग तो जो है कोई अगर नेचुरल चीज कोई उड़ सकती है तो उड़ सकती है नहीं तो ये लोहा कैसे उड़ेगा एंड द सेम वे इंटेलिजेंस कई बार हमें लगता है कि कोई फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ क्लास में बच्चे हैं किसी का नाइनटी अगर आ रहा है हमारा सेवेंटी किसी का आ रहा है वो सेवेंटी परसेंट वाला सोचता है कि ये तो इनबॉर्न क्वालिटी है इसमें तो बचपन से इंटेलिजेंट इसलिए आ रहा है शायद तो ये व्हाट आई मीन टू से थिंकिंग अबाउट ये ट्रेडिशनल हमारा एजम्पन है बरसों से कि जो कुछ भी है वो शायद बर्थ के साथ शायद इनबॉर्न है उसी तरह से लीडरशिप को भी इसीलिए शायद पहले राजा महाराजाओं का जमाना कबीले में भी यही चलता था सरदार का बेटा सरदार बनेगा फिर उसका बेटा सरदार बनेगा क्योंकि मे बी सरदार के बेटे में वो इनबोर्न लीडरशिप क्वालिटी है राजा के बेटे में वो इनबोर्न राज करने की कैपेबिलिटी है ये एक हमारे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में नॉर्मली बैठा हुआ है इवन द बिजनेस हम कहते हैं कि भाई सर्विस क्लास के बच्चों को जब बिजनेस करना होता है तो दे uh, फील कि नहीं बिजनेस तो बचपन से ही आता है दिस इज अ फीलिंग और ये एकदम कोई गलत नहीं है दिस इज नॉट हंड्रेड परसेंट रॉन्ग बट इट इज नॉट हंड्रेड परसेंट राइट ऑल्सो बिकॉज इवन इफ टैलेंट देर इज डिफरेंस बिटवीन टैलेंट एंड स्किल टैलेंट इज इनबोर्न एंड स्किल इज एक्वायर्ड हम कह, वो कहते हैं कि दस हजार घंटे तक अगर कोई एक स्किल को प्रैक्टिस करे तो वो लेजेंडरी परफॉर्मेंस uh, तक पहुंच सकता है चाहे वो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो चाहे वो गेम कोई खेलना चाहता है चाहे वो राइटर बनना चाहता है चाहे वो स्पीकर बनना चाहता है वॉट एवर यू वॉन्ट टू बिकम इफ यू प्रैक्टिस फॉर टेन थाउजेंड आवर्स यू विल हैव लेजेंडरी स्किल्स यू विल बी लाइक ए वर्ल्ड क्लास पर्सन अबाउट दैट तो सवाल ये है कि जिसमें टैलेंट है वो हो सकता है वो पांच हजार घंटे में कर लेगा

आई हैव लाइक अप्लाइड इट माई सेल्फ एंड नाउ आई वॉन्ट टू कन्वे टू यू मैं आपको ये कहना चाहता हूँ बस कि नॉर्मली अगर आज आप कहीं पर भी हैं वी यू नीड टू ब्रेक दिस बिलीफ के आप शायद उसके लिए ही बने हैं यू आर आपका शायद इनबॉर्न क्वालिटी या इनबॉर्न कैपेसिटी इतनी ही है और आप इससे ऊपर जाने में नहीं जा सकते और जो आपके साथ वाले जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं शायद वो उनके अंदर कोई इनबॉर्न uh, टैलेंट है इसकी वजह से कर रहे हैं और आप शायद वो नहीं कर पाएंगे तो so, ये मिथ आई वॉन्ट टू से दैट दिस इज ए मिथ एंड वी मस्ट ब्रेक इट दिस इज बिकम ए वर्क बिलीव हमारी कंडीशनिंग इस तरह से हो गई है इसका है ना इसका मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा जैसे एक हाथी आप ये देखेंगे ये एलिफेंट ये बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है और ये बहुत छोटी सी रस्सी से बंधा है ये क्यों बंधा है इससे है ये क्यों बधा है क्योंकि बचपन में जब जब, जब हाथी का ये बिल्कुल बच्चा था तब इसको इस रस्सी से बांधा गया और उस वक्त इसने इस रस्सी को तोड़ के हटने की कोशिश की थी और ये नहीं इसको तोड़ पाया था दो बार कोशिश की चार बार कोशिश की फिर इसके दिमाग में बैठ गया कंडीशनिंग हो गई इसकी कि ये रस्सी बहुत मजबूत है और मैं इसको नहीं तोड़ सकता इसी तरह की कंडीशनिंग हमारे दिमाग में भी हो जाती है और एक और एग्जाम्पल है एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है पॉलव उन्होंने एंकरिंग या कंडीशनिंग पे अगर बात करें तो उन्होंने कुत्तों पे बहुत प्रयोग किए कुत्तों पे क्या प्रयोग किए उन्होंने कि वो घंटी बजाता था कुत, कुत, अपने कुत्ते को एक कुत्ते को बुलाता था घंटी बजाता था और खाना देता था घंटी बजाता था और खाना देता था धीरे धीरे कंडीशनिंग हो गई कि जैसे घंटी बजती थी कुत्ते के लार टपकती थी और खाना मिलता था उसको फिर उसने आप देखिए ये चौथी फिगर में देखिए कि केवल घंटी बजाई पॉब्लम ने और इतने कंडीशनिंग इतनी हो गई कि कुत्ते के मुंह से फिर भी लार टपक रही है बिकॉज़ वो नाउ सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ गया है उसके कि घंटी मतलब लाइक इट्स इट इज काइंड ऑफ फूड और लार टपकने लगी सो दिस इज हाउ वी आर कंडीशंड इन आवर लाइफ ये दो एग्जांपल मैं uh, मुझे मतलब मुझे बहुत ही पसंद आता है एक्सप्लेन करने के लिए जब भी मैं करता हूँ तो हमारे दिमाग में व्हाट एवर वी हेयर वट एवर वी सी वॉट एवर वी एक्सपीरियंस वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और उसी हिसाब से हम लाइफ में डिसीजन लेते हैं और लेकिन यहाँ पर मैं ये इट्स नॉट अबाउट एन राइट नाउ सो सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड वी है आप देखेंगे ये दिस इज ओनली tip of the ice only five to ten percent is conscious mind and ninety to ninety five percent is subconscious mind so conscious mind is like a horse rider and subconscious mind is like a horse who is more powerful horse is more powerful certainly more more powerful but who will control the horse horse rider जिस तरह से ये laptop में use कर रहा हूँ कुछ कुछ software is more powerful this laptop मे बी मोर पावरफुल जितनी तेजी से कैलकुलेशन कर सकता बटर घोड़े uh, uh, so, so को तो कोई डायरेक्शन नहीं है उसके पास द सेम वे सबकॉन्शियस माइंड को अगर कॉन्शियस माइंड कंट्रोल नहीं करेगा तो वो दिशाहीन हो जाएगा इधर उधर भटकता रहेगा एंड इट कैन नॉट गो इन राइट डायरेक्शन जो जो आप देखते रेस कोर्स में घोड़े पे दाव लगाते हैं लोग कि घुड़सवार पे डिपेंड करता है कि वो घोड़े को किस तरह से चलाए तो हमें भी हमें भी अपना सबकॉन्शियस माइंड को उस तरह से कंट्रोल करना है तो जो, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जो भी कुछ है हमारे जो कुछ वो सबकॉन्शियस माइंड में है एंड वी मस्ट ट्राई टू ब्रेक दोज बिलीव रिवायर माइंड हाउ टू रिवायर अवर माइंड कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव दी अवेयरनेस कि हम क्या सोच रहे हैं लिमिटेशन क्या है मैं क्या सोच रहा हूं कि लीडरशिप ए लीडर्स आर लीडरशिप इज टैलेंट नॉट ए स्किल मैं सोच रहा हूं अब अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि क्या ये सही है क्या मेरे आसपास मैं देख रहा हूं कि यार ये तो इनबॉर्न लीडर नहीं था ये लीडर कैसे बन गया ये ये बच्चा तो ये टेंथ क्लास तक इसके फिफ्टी परसेंट मार्क्स आते थे लेकिन ये तो टॉप कर गया ट्वेल्थ में क्या आपको ऐसे एग्जाम्पल नहीं मिलते लाइफ में मिलते हैं अगर आपको आसपास नहीं मिलते तो आप दूर देखने की कोशिश करें और आपको नहीं मिलते इसलिए कहते हैं कि बुक्स से फॉर क्रिएटिंग बुक्स यू मस्ट रीड अबाउट द पीपल यू मस्ट रीड अबाउट द फेलियर स्टोरीज ऑफ पीपल सो उससे आपको अंडरस्टैंडिंग बनेगी यू विल कम टू नो कि ऐसा नहीं है जो हाथी बंधा हुआ है अगर उसने कभी किसी को देखा होगा यार दूसरे तो हाथी को कि ये तो ट्रक को भी हिला देता पेड़ को भी तोड़ देता ये रस्सी क्या चीज है वाई आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्रेक दिस रोप तो अंडरस्टैंडिंग ऐसा सही नहीं है ये जो स्किल डेवलप नहीं, 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 like मेरे, मेरे नहीं कर सकता मैं प्रोजेक्ट मैनेजर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं बन सकता या मैं 95 फाइव परसेंट मार्क्स नहीं ला सकता मैं क्या नहीं कर सकता इससे डिसोशियट होना है और नई रीप्रोग्रामिंग करनी है आई कैन इट सो

ना अगर राइट नहीं है तो लेफ्ट भी नहीं है हॉट नहीं है तो कोल्ड नहीं है एवरी वे आप जो कुछ भी है उसके दो तरह के कारण है अगर बाहरी कारण है तो कोई ना कोई आंतरिक कारण भी होगा इफ देर आर आउटर रीजन फॉर योर समथिंग इज विच यूर अगर आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो उसके अगर कुछ बाहरी कारण है आउटर रीजन है तो कुछ इनर रीजन भी होंगे आउटर रीजन हो सकते हैं यू आर नॉट डूइंग हार्ड वर्क या आउटर रीजन हो सकते हैं कि आप उस यू हैव सर्टेन लिमिटेशंस मैं रूरल बैकग्राउंड से हूँ मैं इतना लंबा नहीं हूँ मेरा मेरा वजन इतना नहीं है या मैं ऐसे स्कूल में पढ़ा हूं या, या मेरा टीचर ऐसा था या मेरे, मेरे घर में गरीबी है ये सारे आउटर रीजन है लेकिन ये रीजन सफिशियंट नहीं है आपको आपको लिमिटेड लिमिटेड बनाने के लिए लिमिट करने के लिए किसी भी चीज में आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए कारण काफी नहीं है आप ढूंढ के देखिए कोई इनर कारण भी है आपको जो रोक रहा है ये इनर कारण ये है कि आपने ये मान लिया है कि अगर मुझे ग्रो करना है तो इन सबके रहते हुए ही हो सकता है वो कारण को ढूंढे आप रिवायरिंग जैसे अपन ने बात की तो देन यू कैन ब्रेक दैट बिलीफ ब्रेक दैट डिस एम्पावरिंग बिलीफ कहेंगे हम इसको डिस एम्पावरिंग बिलीफ है कि आई कैन नॉट डू इट बिकॉज मैं कैसे करूंगा इसको मैं तो कर ही नहीं सकता मेरी तो सिचुएशन ये है हाउ कैन आई डू इट

वो भी इसी का पार्ट है ना वाई शुड वी केयर मैंने ये ये पढ़ते पढ़ते मैंने इंटरनेट पे जब ये टाइप किया वर्ड लीडर लीडरशिप तो लीडरशिप में दो करोड़ रिजल्ट आए 252 करोड़ रिजल्ट्स यानी इतने लोग ली, इस 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 की टर्म को ढूंढ रहे इट इज सो इंपॉर्टेंट जब मैंने लीडरशिप थ्योरीज को किया तो 13 करोड़ लोग इस टाइम एट ए टाइम दिस ए टाइम थर्टीन क्रोर पीपुल आर सर्चिंग फॉर लीडरशिप थ्योरी टू करोर पीपल आर सर्चिंग फॉर लीडरशिप सो हाउ इम्पोर्टेंट दिस टॉपिक इज यू कैन तो ना वाई लीडरशिप बिकॉज कुछ कुछ लीडरशिप थ्योरीज वाई लीडरशिप थ्योरीज जैसे चाहे वो एडेप्टिव लीडरशिप हमने बात की दिस इज ए काइंड ऑफ थ्योरी

<clears throat> लेकिन तब ग्रेट मैन थ्योरी इसलिए कहा गया इट वॉज द वर्ल्ड वॉज मेल डोमिनेटेड टूडे वी मस्ट नॉट यूज दिस वर्ड है ना नहीं तो है ना वोमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं हो पाएगी नहीं तो सो आई विल मेक इट द ग्रेट पर्सन थ्योरी नॉट ग्रेट मैन थ्योरी इट इज दिस केम एग्जिस्टेंट इन हंड्रेड और ये थ्योरी कहती है वही हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच जो है कि लीडर्स आर बोर्न दे आर नॉट मेड दे आर नॉट क्रिएटेड लीडरशिप इज जो इनबॉर्न क्वालिटी न नॉट बी मेड और आज भी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं <coughs> लेकिन थ्योरी so से ग्रेटमैन थ्योरी हो गई ट्रेड थ्योरी स्किल थ्योरी स्टाइल थ्योरी सिचुएशनल थ्योरी कंटेन्जेंसी थ्योरी ट्रां मै केवल दो पे थोड़ी सी बात करूंगा ट्रांजेक्शनल लीडरशिप थ्योरी एंड ट्रांसफॉर्मेशनल देन लीडर में फिर मैडम ने बात की थी सर्वेंट लीडरशिप थ्योरी दीज आर टेन डिफरेंट थ्योरीज मेरे को सबसे ज्यादा जो पसंद आई ट्रांजेक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल का फर्क समझ में आया ट्रांजेक्शनल क्या है ट्रांजेक्शन जैसे पैसे का ट्रांजेक्शन गेट डन दे द पीपल उनकी टीम को इन्फ्लुएंस रिवॉर्ड्स इसको कैरेट थ्योरी भी कह सकते हैं कि आपको ये मिलेगा इफ यू अचीव दिस यू विल गेट दिस रिवार्ड सो पीपल आर मोटिवेटेड टू वर्क

so this is this i can say inspirational inspirational leadership theory also and motivational leadership theory also so this is about uh, different leadership theories summary i will summarize it this world needs more leaders leadership is most valuable skill leadership is learnable and practicable skill we all have the capacity to become leaders we all should learn and practice to become leaders find a leader within you thanks